Oh.
थी, लेकिन रवि के पूरी टूट गए, वो टूटी हुई पीछे पड़ी है। एक तो पुरुष से आया हुआ था, उसने कह दिया कि ये तो हमारे पास है, मसीह जी के पास हो गया है। गाड़ी ना गाड़ी के पहिए वहां मसीह जी वो पहिए ला करके गाड़ी में ले गया। गाड़ी में तुम लोग मानने से गाड़ी में मिली है, तो मानने से गाड़ी में मिल जाएगी। मसीह जी मार्ग में
समझाओ, ये साधुओं की मंडली लेकर जा रहे हैं, कौन इनकी सेवा करेंगे। अब नरसिंह जी महाराज को संतों को पकड़ पकड़ करके लेकर आए हैं। मेहता जी तो मोड़िया ने घेर घेर लावे जी, मेहता जी तो मोड़िया ने घेर घेर लावे, एक ने बुलावे मोड़िया दो ही चार आवे, एक ने बुलावे मोड़िया दो ही चार आवे, चूल्हा पासे ठंडी रोटी रहन ने पावे जी, चूल्हा पाछे ठंडी रोटी रहन न पावे, ऊट तो सवारे नीत मांगणिया कर लावे, अरे ऊट तो सवारे नीत मांगणिया कर लावे, छाज भर भर पीसू तो कुंडा भर भर पोऊ, ओ छाज भर भर पीसू तो कुंडा भर भर पोऊ, जाए पीटिया मोड़िया ने भूखा मरती रो, ऊट सवारे मोड़िया सांपड़वाने धावे जी, ऊट सवारे मोड़िया सांपड़वाने धावे, एक दो ही मोड़ियो तो डूब क्यों नहीं जावे, अरे एक दो ही मोड़ियो तो डूब क्यों नहीं जावे, मुंडावे मोड़िया लंबी राखे छोटी, गाय पीटिया मोड़िया री गर्दन लागे मोटी, अरे गाय पीटिया मोड़िया री गर्दन लागे मोटी, अरे गावे तो धोवे ने मोड़िया लंबा काटे टीका जी, गावे तो धोवे ने मोड़िया लंबा काटे टीका, जाए पीटा मोड़िया रा दर्शन लागे निकारी, खाबाने तो खीर खीचड़ी बैठवाने पाठ जी, खाबाने तो खीर खीचड़ी बैठवाने पाठ, जाया पीटा मोड़िया रा दूना दूना ठाठ, जाया पीटा मोड़िया रा दूना दूना ठाठ, भगत वचल प्रभु सारे सबका, नानी बैरे माहे रारी ठाकुर जी ने ला, सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरे हरे, बोलो भक्तों के भगवान की जय। अब देखो नरसिंह जी संतों को लेकर के माहिरे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। नरसिंह जी की स्त्री कह रही है, सुबह भोजन बनाती एक रोटी भी ये साधु संत रहने नहीं देते, छाज भर करके गेहूं पीसती हूं कुंडा भर करके आटा लगाती हूं, साधु तो ये सब भूखे के भूखे,
सुबह सुबह ये तालाब के किनारे जब स्नान करने जाते हैं, एक दो मरता भी नहीं, एक दो मर जाए तो कुछ तो रोटी कम करनी पड़े। मुंडन करवाकर बड़ी चोटी रखते हैं, तिलक धारण करते हैं, सुबह सुबह इनके कोई तिल दर्शन कर लो फिर भगवान है। साधु संतों की मौज देखो, भोजन में तो खीर खींचड़ी, बैठन में है पाठ। देखो ऐसे मेरे इन साधुओं का ऐसे ऐसे ठाट। अब नरसिंह जी महाराज मायरा की तैयारी करते हैं, बड़े बड़े तुम्बे गाडोली में लाकर के रखे हैं, छोटी मोटी तुम्बी हैं उनकी कोई गिनती नहीं है। ये बड़े तुम्बे हैं ये सगाजी के समधी जी के लिए लिए। तुलसी की माला, सालग्राम जी की पूजा, करताल, मजीरे, ढोलक सब साथ में लेकर गाडोली में रखे हैं। गोपी चंदन थैला भर करके लिया है। ठाकुर जी का सिंहासन भी गाडोली में रखा। नरसिंह जी महाराज एक विशेष कपड़ों की पोट साथ में ली है, उसमें चार पांच टोपी है, बाकी की सब लंगोट है। बूढ़े बियान जी उनके लिए एक विशेष माला, माला का एक एक मणका है वो 1.25 किलो का है। नरसिंह जी की स्त्री कह रही है इन सबको साथ लेकर के कहां जा रहे हैं, इनकी कौन सेवा करेगा। नरसिंह जी बोले तू चुप रह, संतों की सेवा भगवान करेंगे, तू भी साथ चल, 2-4-10 दिन तू भी संतों की सेवा में रहेगी, तुझे भी भोजन मिलेगा। अब नरसिंह जी संतों को लेकर के मायरे में जाने की तैयारी कर रहे हैं। गांव के लोग सब इकट्ठे हो गए, क्या बड़ी बूढ़ी माताएं, क्या भाई लोग, क्या बालक, क्या जवान, सब लोग इकट्ठे हुए, सब मस्करी कर रहे हैं। देखो देखो नरसिंह जी महाराज मायरे में जा रहे हैं। किसी ने कहा लेने देने के लिए कुछ नहीं है, ये कहां जा रहे हैं। कोई बोला आपको पता नहीं है भोजन का निमंत्रण आया है, देखो ये भोजन के लिए जा रहे हैं। कभी गाडोली का पेड़ा निकल जाता है, कभी गाडोली का वो जुवाड़ा है वो नीचे गिर जाता है, कभी एक बैल गिरता है तो दूसरे को खड़ा करते हैं, सब लोग मस्करी कर रहे हैं। 2 घंटे रात निकल चुकी है, अभी तक ये देखो गाडोली यहां की यहां खड़ी है। नरसिंह जी विचार करने लगे ऐसे तो कैसे पहुंचेंगे। ज्यों ही नरसिंह जी महाराज ने भगवान को याद किया, केदारा राग गाने लगे। पड़ पूठी पड़ फाचड़ा बैलिया पड़े दड़ा, सांझ पड़ी सूझे नहीं आखड़ पड़े अड़ा। रात में देखो रात की 8 बज चुके हैं, अभी तक नरसिंह जी यही खड़े हैं। ज्यों ही नरसिंह जी ने करुणा की, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ में गूंगा बोले, अंधा
नरसिंह जी ने देखो करुणा की पुकार की, देखो प्रार्थना में शक्ति होती है। कई लोग कहते हैं ना प्रार्थना क्यों करते हैं, देखो प्रार्थना में एक शक्ति होती है। जब भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान भक्तों के लिए दौड़े हुए आते हैं। जब जब भक्तों ने पुकारा भगवान भक्तों के लिए देखो दौड़े हुए आए। आज नरसिंह जी ने जैसे ही करुणा की प्रार्थना की, भगवान खाती का रूप धारण करके दौड़ते हुए आए। घणी दूर से भाग रहो भाग रहो थर का डोली रे ला, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजान, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजान। सभी हरि भक्तों से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर उठाइए। घणी दूर से भाग रहो थर का डोली रे ला, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजान, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजान। भाव से दोनों हाथ ऊपर, बोलियो मारे साथ तू के करसी, नरसी बोलियो मारे साथ तू के करसी, ओढ़न कपड़ो नाई वटे सी आमरसी, ओढ़न कपड़ो नाई वटे सी आमरसी, ऊटा बैल टुकोड़ी गाड़ी, ऊटा बैल टुकोड़ी गाड़ी पैदल जावे न पार, बूढ़ा बैल टोड़ी गाड़ी पैदल जावे न पार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजान, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजान। गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजान, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजान। मानदास जी बोलिया गडुली तोड़े लो, मानदास जी बोलिया गडोली तोड़े लो, ज्ञानदास जी बोलिया तुम्बा फोड़े लो, ज्ञानदास जी बोलिया तुम्बा फोड़े लो, घड़ी भीड़ में टूटे मारे। भाव से दोनों हाथ ऊपर, घड़ी भीड़ से टूटे मारे एक तारा रोता, घड़ी भीड़ में टूटे मारे एक तारा रोता, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजान, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजान।
भैरो भात देखवा चालू लो, नानी भैरो भात देखवा चालू लो, पूर्ण पावलो थाली में भी घालू लो, पूर्ण पावलो थाली में भी घालू लो, चार पांच दिन चोखा चोखा, चार पांच दिन चोखा चोखा जी मुझी मणवा, चार पांच दिन चोखा चोखा जी मुझी मणवा, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजान, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजान। अब जाग गयो भोला सा भक्तारो भाव अब जाग गयो, के बिगड़े हैं बैठ लारे जब भाग्य आयो, के बिगड़े हैं बैठ लारे जब भाग्य आयो, किसनो खाती करने लाग्यो मोड़ियारी मनुहार, किसनो खाती करने लाग्यो मोड़ियारी मनुहार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार। घड़ी दूर से भाग रहो, घड़ी दूर से भाग रहो, गाटोली रे ला अरर अर अरर अर अरर अर अरर अर अर गाटोली रे ला, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार। झोली मासू दिखा पावड़ा और पाती, झोली मासू दिखा पावड़ा और पाती, किसनो मारो नाम जात मारी है खाती, किसनो मारो नाम जात मारी है खाती, चिंतारी कोई बात नहीं, भाव से दोनों हाथ ऊपर, चिंतारी कोई बात नहीं, चिंतारी कोई बात नहीं, मैं गाड़ी दे उसका, चिंतारी कोई बात नहीं, मैं गाड़ी देऊं सुधार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार। जोड़े ऊपर बैठ हाँक सू में नारा, कर जो आराम दाब सू पग थारा, कर जो आराम दाब सू पग थारा, घड़ी चार के पहले संतों पहुँचाऊ नगर अंजार, घड़ी चार के पहले संतों पहुँचाऊ नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार। टुटोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, टुटोड़ी गाड़ी भी आज विमान बनी, नरसी गावे भजन सुने खुद श्याम धनी, नरसी गावे भजन सुने खुद श्याम धनी, सूर्या सगला फूट थापड़े, सूर्या सगला फूट थापड़े जीव तोरे मोटिया, सूर्या सगला फूट थापड़े जीव तोरे मोटिया, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार। घड़ी दूर से भाग रहो, घड़ी दूर से भाग रहो थर गाटोली रे ला, घड़ी दूर से भाग रहो थर गाटोली रे ला, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार, गाड़ी में बिठा ले बाबा जानो है नगर अंजार। ऐसा कौन सा भगत जठे हरि नहीं आ,
आया। अरे ऐसा कुण सा भगत जटे हरि नहीं आया। मनमोहन मुस्काए पकड़ मोटा पाया, मनमोहन मुस्काए पकड़ मोटा पाया। दीन जान कर दाता मारी, एक बार सभी हरि भक्तों से निवेदन है, दोनों हाथ ऊपर। दीन जान कर दाता मारी नैया की जो पार, दीन जान कर दाता मारी नैया की जो पार। गाड़ी में बिठा ले बापा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर अंजार। घड़ी दूर से भाग रहो, भाग रहो थर गाडोली रेला, अर अर गाडोली रेला। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर अंजार। गाड़ी में बिठा ले बाबा, जानो है नगर। Thank you.
निर्माण होता है उस परमात्मा को गाड़ी कैसे भगवान ने गाड़ी के हाथ लगाया और गाड़ी निर्माण संतों के साथ भगवान ने भजन अंदाज में चला दिया है।
टूटी लाया गाड़ी आई गया आई
भाई भरसेने। नरसिंह जी के धोती सूर्यों के लंगोटी, नरसिंह जी के धोती सूर्यों के लंगोटी, गावे राग झजोटी, गावे राग झजोटी, भजन करे दिन रात हाथ काई भरसी जी, भजन करे दिन रात हाथ काई भरसी जी, दुखी खावे रोटी है बाता करे मोटी, दुखी खावे रोटी बाता करे मोटी, लंबी सबके चोटी, लंबी सबके चोटी, जुआ गणी पड़सी जी बात कहीं भरसी जी, ओ जुआ गणी पड़सी जी बात कहीं भरसी जी, ओ लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, आए गया नरसी जी बात कहीं भरसी जी, आए गया नरसी जी बात कहीं भरसी जी, संग किसनो खाती दौड़ लगाई पाटी, वो गाड़ी उलड़ जाती, गाड़ी उलड़ जाती, एक दो ये मरसी जी बात काई भरसी जी, एक दो ये मरसी जी बात काई भरसी जी, नरसी ने ठहराया माचर खटमल खाया, नरसी ने ठहराया माचर खटमल खाया, सूर्या सब घबराया, सूर्या सब घबराया, रोटी कठे करसी जी बात कहीं भरसी जी, रोटी कठे करसी जी बात कहीं भरसी जी, वो लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, लंबी लंबी दाढ़ी टूटी लाया गाड़ी, आई गया नरसी जी बात कहीं भरसी जी, ओ आई गया नरसी जी बात कहीं भरसी जी, बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। पुराने बाजार में टूटी हुई दुकान में देखो नरसिंह जी को रोका है, और सर्दी के दिन कितनी ठंडक, न बिछाने के लिए जाजम, न ओढ़ने के लिए कंबल, संतों को सर्दी लग रही है, संत कहने लगे नरसिंह जी सर्दी लग रही है। अब नरसिंह जी ने क्या किया, पुराने बाजार में कोई लकड़ी का पाट लगा था, उस लकड़ी के पाट को तोड़ करके नीचे गिराया और धुनी लगा दी, संत लोगों आप थोड़ा अग्नि के पास बैठो, ताली बजाओ, कीर्तन करो, सर्दी कम लगेगी। अब देखो संत हरजस गा रहे हैं, पाड़ हाट का पाटड़ा धुनी दही लगाए, हरजस गावे सूर्या मृदंग ताल बजा, हुमें तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, दया करो दया करो दया करो, हाँ दया करो दया करो दया करो दया करो,
मैं तुझपू सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तुझपू सदा तेरो नाम दयालु दया करो। द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे, अपनी दया के खोलो द्वारे, अपनी दया के खोलो द्वारे। मेरे पूरण हो सब काम दयालु दया करो, मेरे पूरण हो सब काम दयालु दया करो। जपू सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपू सदा तेरो नाम दयालु दया करो। ओ भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, गाऊं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं तेरा, नित उठ ध्यान लगाऊं तेरा। मेरे परम पूज्य भगवान दयालु दया करो, मेरे परम पूज्य भगवान दयालु दया करो। ओ दया करो दया करो दया करो दया करो, हाँ दया करो दया करो दया करो दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो। मेरे मन की जोत जगा दो, मेरे मन की जोत जगा दो, हाँ मेरे मन की जोत जगा दो, मेरे मन की जोत जगा दो। मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो, हाँ मुझको अपना दास बना लो, मुझको अपना दास बना लो। मुझे पहुंचा दो निज धाम दयालु दया करो, ओ मुझे पहुंचा दो निज धाम दयालु दया करो। ओ दया करो दया करो दया करो दया करो, हाँ दया करो कृपा करो दया करो कृपा करो। मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, मैं तो जपूं सदा तेरो नाम दयालु दया करो, दयालु दया करो, दयालु दया करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। संत लोग देखो कीर्तन भजन कर रहे हैं, पीछे देखो श्रीरंग जी के घर में सब लोगों ने विचार किया ये नरसिंह जी आए हैं, यदि इनकी अगवानी नहीं करेंगे तो ये दुनिया के लोग क्या बोलेंगे। देखो सगे आए थे, पूछा भी नहीं,
नानी बाई की सासू नानी बाई को बोलती है, तेरे पिताजी आए हैं, चलो तुम्हारे पिताजी का बधावा करते हैं। इत समाज सखियन मिली संग श्री रंग की ना, आई ढोल बजाए के नानी बाई लाल। को साथ लेकर के देखो नरसिंह जी का बधावा करने के लिए आई है। नानी बाई हाथ में देखो सोने की थाली लेकर आई है, थाली में अक्षत दीपक जल का कलश कुमकुम जो पूजा की सामग्री होती है वो सब नानी बाई देखो थाली में सजा करके लाई है। कनक थाल कर में लियो अक्षत दीप सहे, दुग्ध कलश ने तो दुर्भ कुमकुम गंध जुले। थाली सजा करके नानी बाई नरसिंह जी के पास आई है। अब नानी बाई ने नरसिंह जी के तिलक किया, नरसिंह जी को अर्च के अरु संतन कुंपू नरसिंह जी के तिलक किया, संतों के दा को तिलक किया है, राम राम कहकर सबसे मिली। नरसिंह जी को अर्च के अरु संतन कुंपू राम राम करके मिले कुशल परस्पर बू। नरसिंह जी नानी बाई की वो थाली देख करके नानी बाई को कहा, नानी बाई तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुंकुम लेर जी, तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुंकुम लेर साधु डोरे गोपी चंदन लागे सवासे, अरे साधु डोरे गोपी चंदन लागे सवासे। तू तो जल को कलशो लाई कर कर मन में प्यार जी, तू तो जल को कलशो लाई कर कर मन में प्यार, एक एक साधु पीवे तुम्बा चार चार हरे, अरे एक एक साधु पीवे तुम्बा चार चार हरे। गुड़ की भेली चावल जाई एक पसी जी, गुड़ की भेली चावल लाई एक पसी, सूर्यो ने काले वो चावे शेर हसी, ओ सूर्या ने काले वो चावे शेर हसी हरे। गोट को तू बटको लाई साढ़े बारे हाथ जी, गोट को तू बटको लाई साढ़े बारह हाथ, आंसू तो ढकी जे मारे सूर्यो रो साथ हरे, क्या आंसू तो ढकी जे मारे सूर्यो रो साथ हरे। हड़ हड़ हंसे मारी नानी बैरो साथ, ओ हड़ हड़ हंसे मारी नानी बैरो साथ, आना देर सुन जो मारा द्वार का राजा, अरे काना देर सुन जो मारा द्वारिका राणा। भगत वचल प्रभु सारे सब काज जी, भगत वचल प्रभु सारे सब काज, नानी बाई रे माहे रानी ठाकुर जी ने लाज,
सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। नरसी जी नानी भाई को कहने लगे, ये थाल में थोड़ा सा कुमकुम, थोड़े से चावल, थोड़ी सी ये गुड़ की डली, संतों के नाश्ते में बाल भोग में 80 शेर नाश्ता चाहिए। एक एक साधु चार चार तुम्बे जल पीते हैं, ये थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा लेकर क्या आई नानी भाई, थाल ढकने के लिए ये कपड़ा लेकर के आई थी। नरसी जी बोले, एक एक साधु को 12-12 हाथ लंबी चादर चाहिए। जो साथ में जो स्त्रियां आई थी वो सब ऐसे कपड़े में मुंह छिपा करके हंसने लगी, ये बाबा जी मायरा भरने के लिए आए हैं या रास में मायरा लेने के लिए आए हैं। हंसी नार अंजार की सुन नरसी के बैंड, उल्टा मांगे कापड़ा आयो मैं रो दे। ये बाबा जी तो देखो सामने कपड़ा मांग रहे हैं, वो नगर अंजार की स्त्रियां क्या बोलती है, समधी के किस बात की कमी, इनके साथ देखो कैसे सुंदर सुंदर साधु संत आए हैं। समधी जी जब 20 सभा में नाचते हैं देखो कितने सुंदर लगते, दुनिया हंसती है, नरसी जी को कोई परवाह नहीं। याद रखना जगत और भगत के वैर है, जो काम जगत करता है उसको भगत नहीं चाहता और जो काम भगत करते हैं वो काम जगत नहीं चाहता है। दुनिया हंस रही है, नरसी जी को परवाह ही नहीं है। सुन नरसी करुणा करी कर लई मृदंग ताल, आम फलिया केला फलिया फूली सवे रसा। अब नानी भाई देखो बधावा कर रही है, सहेलिया हे आंबो मोरियो, सहेलिया हे आंबो मोरियो, सहेलिया हे आंबो मोरियो, सहेलिया हे आंबो मोरियो। लक्ष्मण राम सहेला हे आमो मोरियो, सहेला हे आमो मोरियो। रघुनाथ सहेला हे आमो मोरियो, सहेला हे आमो मोरियो। के तो जिन दिन आमो मोरियो, दिन दिन आमो मोरियो,
जी राखो ब्रिज राज सहेलिया हे आंबो मोरियो सहेलिया हे आंबो मोरियो की सभा पिछला आज सहेलिया हे आंबो मोरियो सहेलिया हे आंबो मोरियो के तो जिन दिन आंबो मोरियो के तो जिन दिन आंबो मोरियो गज डूबत जी राखो दीनानाथ सहेलिया हे आंबो मोरियो सहेलिया हे आंबो मोरियो के तो दास कबीर रस पियो के तो दास कबीर रस पियो कैरी चूसी जी गुरु गोरखनाथ सहेलिया हे आंबो मोरियो सहेलिया हे आंबो मोरियो सभी हरि भक्तों को निवेदन है दोनों हाथ ऊपर या तो नरसी ले रिवीनती प्रभु आई जो माए रोले साथ सहेलिया हे आंबो मोरियो सहेलिया हे आंबो मोरियो जोरदार ताली बजा करके इन बालिकाओं का स्वागत अभिनंदन करें। हुया बधावा हरक्षु घर आई सब बां अपने अपने भवन में करण लगी सबका बधावा करके वो सब महिलाएं देखो अपने घर में आकर विवाह का घर है काम धंधे में लग गई। नानी बाई की सासू नानी बाई को आवाज देती है बहू इधर आओ बाई को बुलवाई के सासू पूछे रेश कितोक भरसी माहेरो किता के ल्याय आवेश। नानी बाई की सासू देखो नानी बाई को बुला करके पूछ रही है बहू आपके पिताजी आए हैं कितना मायरा लेकर के आए हैं। कहो न बहू जी थारा बाबा जी री बात जी कहो न बहू जी थारा बाबा जी री बात रा तो लाया छे थारे दो वड़ते वड़दा हर गुतरा तो लाया छे थारे दो वड़ते वड़दा चलो भोवण खटड़ो हो सिहार रण की बहू तो भूग चाहूतार हरी नारायण की बहू तू तो भूग चाहूतार ऐसा काई घर में बहू काम करे जी ऐसा काई घर में बहू काम करे हरी तो जेठ
खानी को भी भारिया ही मारे करे तारी तो जेठानी वो भी भारिया ही मरे आंगणिया में वो भी मेरी सासू जी लड़े जी आंगणिया में वो भी मेरी सासू जी लड़े देखो मारी बोवड़ ऊपर भूग चापड़े देखो मारी बोवड़ ऊपर भूग चापड़े भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज जी भगत वत्सल प्रभु सारे सब काज नानी वैरे माहे ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरे बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय नानी बाई की सास नानी बाई को बुला करके पूछ रही है अपने पिताजी की बात बताओ कितना मायर लेकर के आए हैं अरे नराणा की बहू इधर आ इतना क्या घर में काम धंधा कर रही है देख तेरी जेठानी कपड़े की गांठ लेकर के आई है इसके माथे पर भार है नानी भाई की सासु देखो घर के आंगन में खड़ी बहू से झगड़ा कर रही है तब नानी भाई सासू जी को कहने लगी सासू जी मेरे पिताजी यदि आज यहाँ मायरा लेकर के आते तो इनको पुराने बाजार में टूटी हुई दुकान में क्यों रोकते आप चाहे कुछ भी कहो मैं अपने पिताजी को देख कर कई प्रसन्न हूँ मायरा नहीं लाए तो कम से कम रास में आए तो सही नानी भाई का वो देवर नारायण घर में पता नहीं कहाँ बैठा था वो दौड़ता दौड़ता आया आकर के बोला आपके पिताजी को वापस भेज दो आपके पिताजी को देख करके हमें लज्जा आ रही है शर्म हो रही है नानी भाई बोली अरे देवर मैंने आपका क्या बिगाड़ा आज देखो आदमी के पास पैसे नहीं है आदमी की ये इज्जत नानी भाई का वो देवर नारायण नानी भाई को बोला मोड़ियों की बेटी किस बात का घमंड कर रही हो किस बात का आपको अभिमान है आपके पिताजी मांग मांग कर गांव से आटा लाते हैं नानी भाई आज जोड़ करके बोली देवर मेरे पिताजी तो मांगते हैं आपने तो मांगने की पाल बांध ली है आपने तो मांगना छोड़ दिया है ब्राह्मण का शरीर है मांगने की क्या शर्म बीच में नणंद भाई खड़ी होकर के बोली भाभी क्या बोल बोलती है तेरे जैसी दिन में 20 लेकर के आऊं अब इसको पूछो ब्यावर में एक और लाकर के बता तो सही है देखो घर में झगड़े का कारण है हमारी जीभ हम लोग घर में बोलने का ध्यान नहीं रखते तब देखो ये घर में झगड़ा होता है इसीलिए संत कहते हैं चुप कबीरा बोले मत पर्दा किसी का खोले मत पर्दे पर्दे अंतर है कहीं हीरा कहीं पत्थर है ऐसी वाणी बोलिए रामा सोच विचार आदमी को बोलने में सावधानी रखनी चाहिए वचन वचन में कितना अंतर है देखो संत कह रहे हैं बोल बड़ा अनमोल है जो कोई जाने बोल या तराजू तोल कर सोच समझ कर बोल वचन वचन को वचन के हाथ न पाऊं
एक वचन है औषधि, एक वचन है घाव। याद रखना, कोयल भी बोलती है और कौवा भी बोलता है। जब कोयल बोलती है लोग कितने प्रसन्न होते हैं, और जब कौवा बोलता है तो कंकर फेंकते हैं। अब बताओ, कोयल ने आपको क्या दिया और कौवे ने आपसे क्या लिया? वचन वचन में मिठास है और वचन वचन में कड़वापन है। बोलने में सावधानी रखें भाई। आज देखो झगड़े का कारण है हमारी जीव, ये सासू बहू देखो किस बात से झगड़ा कर रही, केवल वचन का झगड़ा है। सासू ननन देवर सब ननी भाई से झगड़ा करने लगे। तब वो ननी भाई नरसी जी के पास जाकर के बोलती है, सब परिवार वाले मुझे मोड़ियों की बेटी बोल रहे हैं। नरसी जी बोले, ननी भाई मोड़ियों की बेटी कहने से गुस्सा नहीं करते, और कोई मोड़ियों एक दो ही बार, नरसी मोड़ियों लाख करोड़ बार। नानी भाई को दुख हुआ, पिताजी मैं आपसे कभी प्रसन्न नहीं हुई, कोई बात कहती हूं और आप कहते हो माला जपो। नरसी जी बोले, और लोग तो कोई छुपकर कोने में बैठ करके माला जपते होंगे, लेकिन ये नरसी तो गजानन जी के मंदिर में चौड़े धाड़े भगवान को याद कर रहा है। हरि सुमिरन सु अगजरे कोटि विघ्न टल जाए, हरि आगे पीछे खड़ा संकट मई सहाय। भगवान का नाम लेने से अनेक पाप खत्म होते हैं। भगवान आगे खड़े हैं, पीछे खड़े हैं, और संकट में भी यदि साथ देने वाले हैं तो एक भगवान। नानी भाई को दुख हुआ, नानी भाई दुखी होकर के नरसी जी को कह रही है, मारी सासू नित लड़े माहेरा रे काज, आया हाथ हलावता मोई उल्टी आवेला। पिताजी मेरी सास मायरे के लिए नित्य झगड़ा करती है, और आप खाली हाथ ये साधुओं की टोली लेकर के यहां आए हो, सब नगर अंजार के लोग हमारी हंसी कर रहे हैं, मस्करी कर रहे हैं। पिताजी आप मुझे यहां क्यों लज्जित करने के लिए आए? नानी भाई दुखी होकर के पिताजी को कह रही है, पिताजी मोहि लजावन आया हो पिताजी, मोहि लजावन आया जावन आया हो पिताजी, मोहिल जावन आया हो। मायड़ होई तो भरे रे माहेरो के मायड़ का जाया हो, मायड़ होई तो भरे रे माहेरो के मायड़ का जाया हो। मान सवाया हो, ओ हिला जावन आया हो पिताजी, ओ हिला जावन आया हो, ओ हिला जावन आया हो, ओ हिला जावन आया हो पिताजी, ओ हिला जावन आया हो, ओ हिला जावन पिताजी, हो हिला जावन आया। ताल मृदंग जांच डप जाल संग मोड़िया ले आया हो, ओ संग मोड़िया ले आया हो। सब नाग
करी थोड़ा नहीं सरमाया सपना घर मिल कर मस्करी थोड़ा नहीं समझाया हो नरसी जी को कह रही है पिताजी आप मुझे यहां क्यों लज्जित करने के लिए आए। दुनिया में यदि आज मेरी जन्म देने वाली मेरी मां होती यदि मेरा भाई होता जरूर भरी सभा में मुझे चुनड़ी ओढ़ाते मेरा मान बढ़ाते। आप तो मृदंग ढोलक साधु संतों की मंडली लेकर के आए हो ये सब तक नागर किल के लोग मेरी मस्करी कर रहे हैं। पिताजी आप मुझे क्यों लज्जित करने के लिए आए। नरसी जी बोले भाई भाई चिंता मत करो मन में धीरज धार मन माने जो मांग जो देसी सृजनहार। नानी भाई आप चिंता मत करो जो मन में आवे वो मांगना भगवान देंगे। जब नरसी करुणा करी कंवरी ने समझाए बाई गिरधर आवसी सकल मनोरथ था। नरसी जी ने देखो करुणा की बेटी को समझाया भगवान आएंगे और तेरी सब मनोकामना पूरी करेंगे। तब नानी भाई नरसी जी से कहने लगी पिताजी थे कहो बाबा जी साची थारो सांवल सा कब आसी थे कहो बाबा जी साची थारो सांवल सा कब आसी थे साची बात सुनावो मन राधा कृष्ण साची बात सुनाओ मन राधा कृष्ण मिलावो वरावती को राजा किन रासारिया छे काजा वरावती को राजा किन रासारिया छे काजा छोड़ी यशोदा मासी सब जुरत रहे व्रजवासी वो छोड़ी यशोदा मासी सब जुरत रहे ब्रजवासी ओ ब्रज नारी तजदीनी उपजा पट रानी कीनी ओ ब्रज नारी तजदीनी उपजा पट रानी कीनी मारे मन मानी छे दासी जन लाज किसी विद आसी वर मन मानी छे दासी जन लाज किसी विदासी किम नानी बाई गावे हरि लाज मरे तो आवे किम नानी बाई गावे हरि लाज मरे तो आवे कहो बाबा जी साची थारो सांवल सा कब आसी हे कहो बाबा जी साची थारो सावल सा कबासी। नानी भाई नरसी जी को कह रही है पिताजी आप सच्ची सच्ची बात सुनाओ आपके वो सावल सा कब आए आप मुझे सच्ची बात बताओ आप राधा कृष्ण से मुझे मिला दो। मैंने तो सुना है वो द्वारका के राजा हैं। बोलो राजा किसके किसके काम करेंगे। यहां तक सुना है यशोदा को उन्होंने छोड़ा
सब व्रजवासी रोते रहे। व्रज की गोपियों को छोड़ा, मथुरा में जाकर उन्होंने कुब्जा को अपना संगी बनाया। उनके कई दासी दास हैं, मेरे जैसी नानी भाई उनको कब याद आएगी। नानी भाई कह रही है, यदि भगवान को शर्म आए तो यहां आकर के मायरा भरें। नानी भाई ने दुखी होकर के कहा, पिताजी पहले केस खिंचाइया पछे बढ़ायो चीर, आवत लाज गमाई के आखर जात कही। पहले तो उस द्रौपदी के केस खिंचवाए और पीछे से उसकी साड़ी बढ़ाई, जात उनकी अहिर है। नरसिंह जी बोले, नानी भाई भगवान को ऐसा नहीं बोलते। भगत वचल को विड़द है सारेंगे हरिकाज, छिन छिन निकट निदान है दीन बंधु महाराज। भगवान भक्त वत्सल है, भगवान भक्तों के कार्य करने के लिए आते हैं, संकट में साथ देने वाले हैं, तो एक भगवान है। नरसिंह जी ने उत्तर दिया, नानी भाई भगवान आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मयूरे की सब खरीददारी करके, सब जो चीजें लिखी है याद करके के भगवान लेकर आएंगे। चंदन का रथ लेकर, साथ में राधा रुक्मण को लेकर के आएंगे। देख भगवान यदि नहीं भी आएंगे तो ये लाज किसकी जाएगी। यदि भगवान नहीं भी आएंगे, नरसिंह तो ऐसे ही भगवान को करताल बजा करके याद करता रहेगा। आसी तो आजावसी नहीं तर चुकी बात, बाई जाओ भवन को मती घुमाऊं रात। नरसिंह जी बोले, ननी भाई भगवान आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो बात उन्हीं की जाएगी। देख 9:15 बजने वाले हैं, घर चली जा। तेरे सासू जी ऐसे भी झगड़ा करते हैं और झगड़ा करेंगे। नानी भाई को दुख हुआ, घर में लड़ाई हुई, घर में झगड़ा हुआ, तब यहां आई और यहां पिताजी के पास आई तो पिताजी कह रहे हैं वापिस जाओ। नानी भाई को दुख, दुखी होकर के नानी भाई बोली, पिताजी मेरा जन्म हुआ उस दिन आपने मुझे अमल की डली क्यों नहीं खिलाई। उस दिन अमल की डली दे देते तो मैं उसी दिन मर जाती। आज ये दिन तो देखने के लिए नहीं मिलते। पिताजी मेरा जन्म हुआ, आपने घर के आगे कुआं क्यों नहीं खुदवाया। खेलती कूदती मैं उस कुएं में गिर जाती, मर जाती। आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। आज यदि मेरी जन्म देने वाली मेरी मां होती, जरूर एक दो कपड़ा लेकर के आती। मां के बिना देखो पिताजी को भी स्नेह नहीं। काजल के बिना आंखों में तेज कहां। मां के बिना आज सारा संसार मुझे सुना सुना लगता है। देखो दुनिया में मां मां ही होती है। धन खर्च करने से दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन जन्म देने वाले मां बाप नहीं मिलते। थे भूल जो सब कुछ, मगर मां बाप ने मत भूल जो। यदि आपने धन खूब कमाया, माता पिता की सेवा नहीं की, ये कमाया हुआ धन धूल जैसा है। विचित्र समय आया है आज के युग में। देखो बेटा बहू माता पिता की सेवा नहीं करते। बेटा बहू तो नौकरी करते हैं, माता पिता की सेवा करे कौन। माता पिता को वृद्धाश्रम में ले जाकर वहां वृद्धाश्रम में रखते हैं। जगह जगह शहरों में देखो वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। घर के ऊपर लिखते हैं पितृ कृपा मातृ कृपा। पूछो कभी माता पिता ने घर में पैर रखे, कभी आपने इस घर में माता पिता को भोजन कराया। क्यों पिताजी का माताजी का नाम लज्जित कर रहे हो। लिख दो घरवाली की कृपा,
माता पिता माता पिता ही है। दुनिया में यदि प्रत्यक्ष में भगवान के दर्शन करने हो तो प्रत्यक्ष में भगवान का स्वरूप है माता पिता। प्रत्यक्ष में तीर्थ यदि करने हो तो प्रत्यक्ष में तीर्थ है माता पिता। गजानन जी का उत्सव हो रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है, गणेश जी को किस चीज का भोग लगता है बोलो? लड्डू का। बोलो लड्डू का भोग क्यों लगता है? मालपुआ ही लगा देते। एक बार क्या हुआ, पार्वती जी लड्डू लेकर के आई, अपने दोनों बेटों को आवाज दी, गणेश कार्तिक इधर आओ, ये लड्डू कौन लेगा? कार्तिक ही बोला मैं लूंगा। गणेश जी बोले नहीं मैं लूंगा। तो मां पार्वती बोली जो सब तीर्थों की यात्रा करके सबसे पहले मेरे पास आएगा उसको ये लड्डू मिलेगा। कार्तिकेय के मोर की सवारी, वो मोर पर सवार होकर तुरंत तीर्थों की यात्रा में निकल गए। अब गणेश जी का तो मोटा शरीर, चूहे की सवारी, अब गणेश जी कहां जाए? गणेश जी उदास होकर के बैठ गए। नारद जी आए, क्या हुआ गणेश जी? कि लड्डू तो कार्तिकेय खाएगा, बात क्या हुई? मां बोली जो सब तीर्थों की यात्रा करके आएगा उसको ये लड्डू मिलेगा। नारद जी बोले यही बात है? कहां यही बात है। तो माता पिता सर्व तीर्थ रूप होते हैं, माता पिता की परिक्रमा कर लो, सब तीर्थों की यात्रा का फल मिल जाएगा। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा की, प्रणाम किया। मां बोली क्या हुआ गणेश? कि मैंने सब तीर्थों की यात्रा कर ली। कैसे? कि माता पिता सर्व तीर्थ रूप होते हैं, उसी समय गणेश जी को वो लड्डू दे दिया और आज तक देखो गणेश जी के लड्डू का भोग लगता है। लड्डुवन को भोग लगे, संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो माता पिता सर्व तीर्थ रूप होते हैं। आज के बेटा बेटी तीर्थों में जाकर के दान पुण्य करते हैं और घर में देखो माता पिता भूखे प्यासे बैठे हैं। माता पिता को कभी कपड़े भी नहीं देते। बोलो तीर्थ यात्रा करके कौन सा फल पालोगे? प्रथम तीर्थ है माता पिता, पहले माता पिता की सेवा करोगे फिर आपको तीर्थ यात्रा का फल मिलेगा। नहीं तो तीर्थों में भटकने से कोई फल मिलने वाला नहीं है। प्रथम तीर्थ है माता पिता, माता पिता की सेवा करोगे तो सच्चा आशीर्वाद मिलेगा। देखो संत क्या सुनाते हैं आपको माता पिता के विषय में। आप लोग लगभग सब लोग ग्रस्त जीवन में रहने वाले हैं, आपके अपने 1, 2, 3 बच्चे हैं, आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बहुत 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 प्यार करते हैं। कभी विचार कीजिएगा आपके बच्चों की जो उम्र है वही उम्र एक बार आपकी भी रही। आप अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं आपके माँ बाप ने उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्यार किया है। सच कहूँ तो अभी आपके पास बच्चों के लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, सुलाने के लिए, खिलाने के लिए, खेलने के लिए, औषधि वगैरह, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें आपके पास है। आपके माँ बाप ने तो आपको उस जमाने में बड़ा किया जिस जमाने में इतनी व्यवस्था होती नहीं थी। आप लोग घरों से बहुत दूर यहाँ आकर रहते हैं, कई जनों के तो माता पिता साथ में हैं, कई जनों के माता पिता साथ में नहीं हैं। भले ही शरीर से आप उनके पास न रह पाओ, भले ही शरीर से नज़दीक न रह पाओ, पर कम से कम मन से कभी दूरियां मत बनाइएगा। क्योंकि शास्त्र कहता है जो अपने माँ बाप से दूरी बना लेता है भगवान उस जीव से ही दूरी बना लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे तो ये बहुत आवश्यक है कि आपके सर पे आपके माँ बाप का हाथ रहे।
एक बार कुंभ का एक मेला था, ध्यान से सुनिएगा, कुंभ का मेला था। मेले में पति पत्नी और बच्चा तीनों लोग मेला देखने के लिए गए। तब पत्नी ने कहा था कि देखो होटल अच्छी वाली लेंगे, कमरा अच्छा वाला लेंगे और मैं खरीदारी भी करूंगी। तो उसने कहा ठीक है, सब मंजूर है। तो ऐसे करके कुंभ के मेले में आए, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लाखों लोग थे। उस भीड़ में तीनों बिछड़ गए, अलग अलग हो गए। अब बच्चा भीड़ में पता नहीं कहाँ चला गया। दूर से पति पत्नी ने तो एक दूसरे को देख लिया, तो वो सड़क के किनारे पर आए। अब माँ जोर जोर से रोने लगी, आप माँ की दशा समझ सकते हैं। माँ जोर जोर से रोने लगी, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे मेरा बच्चा ला कर दे दो, मुझे मेरा बच्चा ला कर दे दो। अब वो जोर जोर से रोने लगी, मुझे नहीं चाहिए कोई भी अच्छी होटल में कमरा, मुझे नहीं चाहिए बढ़िया खान पान, मुझे नहीं चाहिए खरीदारी, बस मुझे मेरा बच्चा ला कर दे दो। आदमी ने कहा तुम रुको, मैं ढूंढ के आता हूँ। अब वो आदमी अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकला। लगभग 2-3 घंटे बाद खोया पाया कैंप में अनाउंसमेंट हुआ कि इस नाम का एक बच्चा है, ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, इतनी हाइट है, इतनी उम्र है और अपने पिता का नाम ये बता रहा है, अगर सुन रहे हो तो यहाँ से आप ले जाएं। तो पिताजी के कान में खबर पहुँची, पिताजी दौड़ते हुए खोया पाया कैंप पर गए, बच्चे को लिया, अब माँ की तरफ जा रहे हैं। ज्यों ही थोड़ी सी दूर से ही उस माँ ने अपने बच्चे को आते हुए देखा, माँ दौड़ती हुई गई, बच्चे को पकड़ के अपने गले से लगाया, खूब रोने लगी, तू कहाँ चला गया था, तेरे बिना तो मेरे प्राण निकलने लग गए, तू मुझे छोड़ के मत जाना, ऐसे ऐसे करके माँ रोने लगी। अब मन तो खराब हो ही गया था, तो पति ने कहा घर चलें, तो पत्नी ने कहा ठीक है चलते हैं। तो बस स्टेशन पर आए, बस में बैठे, तब उस पत्नी ने कहा सुनो ये बस तो हमारे गांव नहीं जाती, हम दूसरी बस में क्यों बैठे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम दूसरी बस में क्यों बैठे हैं। तब आदमी ने कहा हम हमारे घर नहीं जा रहे। बोले तो आदमी ने कहा हम माँ के घर जा रहे हैं। तब घरवाली ने कहा नहीं ना, अपने घर ही चलेंगे, वहाँ हम आराम से रहते हैं, अपनी मर्जी से खाते पीते उठते बैठते हैं, अपने घर चलेंगे। तब उस आदमी ने कहा ना मुझे तो माँ के घर ही जाना है। तो पत्नी ने कहा ऐसा क्यों, ऐसा क्या जो आपको माँ के घर ही जाना है। तब उस आदमी ने कहा तेरा बच्चा तुझसे 2-3 घंटे के लिए दूर हुआ तो इतनी फड़फड़ाने लग गई, मैं अपनी माँ से 20 सालों से दूर रह रहा हूँ, मेरी माँ मेरे लिए कितनी रोती होगी। विचार कीजिए, वृद्ध होने के बाद माँ बाप मुझसे प्यार जता नहीं पाते, बोल नहीं पाते, पर यह तय है आप अपने बच्चों से जितना प्यार करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आपके माँ बाप आपसे प्यार करते हैं। एक बार एक आदमी ने पंडित जी को कहा मेरा भविष्य बताओ, पंडित जी ने कहा बता देंगे, तो बोले कुंडली लाऊं, बोले नहीं, जन्म पत्री लाऊं, बोले नहीं, तो हाथ देखोगे, बोले नहीं, जन्म पत्री भी नहीं, कुंडली भी नहीं, हाथ भी नहीं देखोगे, भविष्य बता दोगे, बोले हाँ बता दूंगा, तो बताओ मेरा भविष्य कैसे होगा। तब पंडित जी ने कहा तेरी वजह से जैसे तेरे माँ बाप का है वैसा ही तेरा होगा, अगर आपकी वजह से आपके माँ बाप प्रसन्न है तो आपका भविष्य भी बढ़िया होगा, आपकी वजह से अगर आपके माँ बाप रो रहे हैं तो आपका भविष्य भी ऐसा ही होगा, रोते हुए जिंदगी निकलेगी। इसलिए मेरे भाई बहन हम भजन करें, साधन करें, तप करें, दान करें, तीर्थ यात्रा करें, जो कुछ भी करें, पर बहुत आवश्यक है हम सबसे पहले अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने माँ बाप की सेवा करें। माँ माई होती है, माँ माँ ऐसा बोलते हैं तो मुंह भरता है। वो दिन याद करो जब आपका जन्म नहीं हुआ, माता पिता ने कितने देवी देवताओं के पास जाकर के मनोतियां मांगी। जब बालक का जन्म हुआ परिवार वालों ने थाली बजाई, मिठाई बांटी, गुड़ बांटा, बालक दूध पीते पीते बीमार हो गया,
देखो बीमार तो बालक हुआ, दवाई मां खा रही है। टूणा करिया नजरा उतारी, वाह बखत मत भूल जो, बालक बीमार हुआ, दूध नहीं पी रहा है, मां सात मिर्ची लेकर आई, सात नमक की डली लाई, मिला करके 21 बार उस बालक के ऊपर घुमाती है, फिर आग में गिराती है, बास आई कोई नहीं, छोरा रे डाकण लागी, डाकण अबरू को नहीं लागी, डाकण तो मोटो ही पचे लागी, पचे उठारे नड़ो ही नड़ो नहीं आवे। टूणा करिया नजरा उतारी, वाह बखत मत भूल जो, छोटे से थे बिस्तर पर पेशाब कर देते थे, मां बालक को तो सूखे पर सुलाती थी और मां उस भिगे गुजड़े पर पड़ी रहती थी। वो दिन याद करो, आपका तो स्वभाव ही ऐसा है, छोटे थे माता पिता के बिस्तर गीले करते थे, अब बड़े हो गए तो मां बाप की आंखें गीली रखते हो। जिस बेटा बेटी के कारण मां बाप की आंखों में आंसू हैं, याद रखना वो बेटा कभी सुख नहीं पा सकता, केवल सुख दिखता है लेकिन परिणाम उसका भविष्य बहुत बुरा होता है। एक स्कूल में माता पिता की कोई बात चली तो अध्यापक जी ने बताया, माता पिता का ऋण कभी नहीं उतरता। एक बालक ने सोचा, ऋण उतरता कैसे नहीं, मैं माता पिता का ऋण उतार दूंगा। वो बालक स्कूल जाना बंद कर देता है, माता पिता की ऐसी सेवा करता है कि माता पिता प्रसन्न हो गए। मारवाड़ी में कहावत है, काम सबने प्यारो है, चाम कोई ने प्यारो कोई। घर में कोई काम धंधा करता है तो कितना अच्छा लगता है। एक दिन उसका साथी आया, कहने लगा, अरे आजकल तो स्कूल नहीं आ रहा है। तो बालक ने कहा, अध्यापक जी बोले थे माता पिता का ऋण कभी नहीं उतरता, मैं माता पिता की सेवा करके माता पिता का ऋण उतार रहा हूं। पीछे बाड़े में मां खड़ी थी, मां ने यह बात सुनी कि बालक ऋण उतारने के लिए सेवा करता है। आज वो साथी तो निकल गया, मां ने अपने बेटे से कहा, बेटा आज तू मेरे पास सो जाना। वो सर्दी के दिन मां बालक के पास सो गया। अब बालक को नींद आती है तो मां धक्का दे देती है, बालक की नींद खुल जाती है, फिर मां को नींद आती है, फिर मां बालक को धक्का देती है, पूरी रात मां बालक को नींद नहीं लेने दी। सुबह वो मां जल्दी जगी, पहले देखो सब घर का काम माताएं बहने हाथों से करती थी, गट्टी लेकर के बैठी, आटा पीसना था, तो अब बालक ने देखा अब आराम से सो जाऊंगा, रजई ओढ़ करके सो गया। आप भी जानते हो सर्दी के दिनों में सुबह जब रजई ओढ़ करके सोते हैं कितनी मीठी मीठी नींद आती है, उठने का मन ही नहीं करता। माँ ने देखा अब बालक को नींद आ गई है, बाहर मटकी में ठंडा पानी था, ठंडे पानी का लोटा भर करके माँ लाई, रजई हटा करके छोरे के ऊपर ठंडा पानी गिराया। पानी तो था ठंडा लेकिन बालक हो गया गर्म। बालक बोला, तू माँ है या राक्षसी, पूरी रात तूने मुझे नींद नहीं लेने दी और अब ला करके तूने मेरे ऊपर पानी गिराया। माँ बोली, बेटा तू कह रहा था ना मैं माता पिता का ऋण उतारूंगा, वो दिन याद कर जब तू रात में बिस्तर पर पेशाब कर देता था, मैं तुझे रात भर सूखे पर सुलाती थी और आज तूने जैसे गुस्सा किया है वैसे ही उस दिन मैं भी गुस्सा कर देती और तुझे उठा करके बाहर उकड़ी पर फेंक करके आती तो तू क्या बड़ा हो जाता। अब तू बातें बना रहा है कि माता पिता ने मेरे लिए क्या किया। मेरे भाई बहन, माता पिता ने हमारे लिए क्या नहीं किया। दुनिया में प्रत्यक्ष में यदि कोई भगवान का रूप है तो माता पिता है। शास्त्रों में आता है मातृदेवो भव, फिर आता है पितृदेवो भव, फिर आता है आचार्य देवो भव, फिर आता है अतिथि देवो भव। सबसे ऊंचा दर्जा है मां का।
बालक गंदगी से हाथ पैर कपड़े गंदे करके घर में आता है। पिताजी सामने आंगन में खड़े हैं, वो बालक गंदगी से भरा हुआ जैसे ही पिताजी के पास पहुंचता है, पिताजी चार कदम पीछे हटते, अरे दूर दूर दूर, तेरी माँ के पास जा, तेरी माँ स्नान कराएगी, तुझे कपड़े पहनाएगी। अब वो बालक गंदगी से भरा हुआ माँ के पास जाता है। बोलो, माँ कभी दो कदम पीछे हटती है क्या? माँ कभी कहती है तेरे पिताजी के पास जा? वो माँ बालक को स्नान कराकर दूसरे नए कपड़े पहनाकर बालक को गोद में लेती है। इसीलिए माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है भाई, माँ माँ ही होती है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हो माँ हो माँ हो माँ हो माँ। ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है हो माँ हो माँ हो माँ हो लागी है माँ तेरी अकिया, दुखन लागी है माँ तेरी अकिया, मेरे लिए जागी है सारी सारी रतिया, मेरे लिए जागी है सारी सारी रतिया, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया को, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया को, तूने वारी है हो माँ हो माँ हो माँ हो माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, तू बलिहारी है हो माँ हो माँ हो माँ हो होती है माँ बच्चों की
पूजा होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। कितनी शीतल है तू, कितनी कोमल है तू, कितनी शीतल है तू, कितनी कोमल है, न्यारी न्यारी है। ओ माँ, है कांटों का ये जो दुनिया है, ये बन है कांटों का। तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी बोली कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ किस्मत वाले जिनके माँ होती। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, मेरे साथ में एक भीनमाल का बालक पढ़ता था। जब क्लास में खाली समय मिलता तो वो बालक अकेले में बैठकर कॉपी में कुछ लिख रहा है। मेरे मन में आई, ये अकेले में बैठकर क्या लिख रहा है। मैं उसके पास में बैठा तो उसने कॉपी बंद कर दी। मैंने कहा क्या लिख रहे हो, तो उसने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। मैंने कहा बताओ तो सही। मैंने ज्यों ही उसकी कॉपी खोली तो मैंने कॉपी में क्या देखा, वो बालक अपने माँ के विषय में लिख रहा है, यदि आज मेरी माँ होती तो घर जाते ही मुझे रोटी खिलाती, मेरी माँ होती मुझे कपड़े पहनाती, माँ होती तो मुझे पास में बैठाती, माँ होती तो मुझे पूछती। उस बालक के माँ नहीं थी। देखो, जिसके माँ नहीं होती है उसको पता है कि माँ क्या चीज होती है। जो बेटा बेटी माता पिता की बात नहीं सुनता, कहना नहीं मानता है, तो वह मरने के बाद यमलोक जाता है। यमदूत उसी का मांस काट काट करके खिलाते हैं। जीवन में चाहे मंदिर मत जाओ, लेकिन माता पिता की सेवा कभी मत छोड़ना। देखो, दक्षिण में एक भक्त हुए थे, माता पिता की सेवा करते हैं। आज भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान आए, बालक माता पिता की सेवा में था। भगवान ने दरवाजा खटखटाया, मैं परमात्मा स्वयं आया हूं। तो आए हो तो अच्छी बात, मैं माता पिता की सेवा में हूं। एक ईंट फेंकी, ईंट पर खड़े हो जाओ। परमात्मा आज तक देखो ईंट पर ही खड़े हैं। पुंडरीक भक्त इस भारतवर्ष में देखो कैसे कैसे महापुरुष हुए। माता पिता की कितनी महिमा है। मेरे भाई बहन, प्रतिदिन माता पिता को प्रणाम करने का नियम रखो। यदि माता पिता के साथ नहीं रहते हो या माता पिता संसार में नहीं है, तो सुबह उठते ही धरती माता पर हाथ रखकर माता पिता को याद करके मानसिक प्रणाम करो। माता पिता का आपको आशीर्वाद मिलेगा। सबसे बड़ा आशीर्वाद है माता पिता का। माता पिता की आज्ञा में रहोगे, माता पिता की आज्ञा से सब काम करोगे। आज्ञा श्रवण सुशैव सेवा, माता पिता की आज्ञा मान लेना, ये माता पिता की सबसे बड़ी सेवा है। नानी बाई को दुख हुआ,
नरसी जी को कहने लगी, पिताजी इतने दिन मैं ऐसा देखती थी, दुनिया में मेरे माँ नहीं है, पर आज मुझे पता लगा दुनिया में आज से मेरे पिता भी नहीं है। ऐसी ऐसी खरी बातां बाप सु कही जी, ऐसी ऐसी खरी बातां बाप सु कही, ऐसा तो बाबा जी भी नयू न कही, अरे ऐसा तो बाबा जी भी नयू ही ना रही। अब तो मारी नानी भाई घर थारे जावो, अब तो मारी नानी भाई घर थर जाओ, आगे चेती जिन साको कागद लिखाओ, अरे लागे चेती जिन साको कागद लिखाओ, के तो मारो सावल सा मायरो बरसी जी, के तो मारो सावल सा मायरो बरसी, बिना पितरा ने करसी। नानी बाई दौड़ी दौड़ी जेठ पे गई जी, नानी बाई दौड़ी दौड़ी जेठ पे गई, लागे जितरी जिनसा सारी लिख तो सही, अरे लागे जितरी जिनसा सारी लिख तो सही, भगत वचल प्रभु सारे सब काज, नानी वैरे माहेरारी ठाकुर जी ने लाज, सीताराम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि। बोलो भक्तों उनके भगवान की जय। ऐसे खरी बात सही बात नानी बाई ने देखो नरसी जी को सुनाई, पिताजी इतने दिन में ऐसा देखती थी मेरी मां नहीं है, पर आज मुझे पता लगा दुनिया में आज से मेरे पिताजी भी नहीं है। ऐसी बात नानी बाई जब अपने मुख से बोली तब नरसी जी बोले, जाओ घर जाकर के लिखवा करके लाओ, कितना क्या मायरा भरना है। नानी बाई घर गई, परिवार के सब लोग बैठे थे, जेठ जी के सामने जाकर नानी बाई कह रही है, मेरे पिताजी ने कहा है कितना क्या मायरा भरना है, लिख करके दे दो। जेठ जी बोले, नाच कूद कर टूट के भरे मोडियो पेट, माहेरो क्या शू भरे यूं कहे भाई रोजे। नरसी नाच कूद करता है, गांव के आटे से पेट भरता है, ये मायरा कैसे भरेगा। बीच में ही नानी बाई का देवर नारायण बोला, मुझे सब पता है ये नरसी है, थाल में तुलसी का पत्ता रखेगा और इस नरसी के पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है। परिवार के सब लोग बैठे थे, उन्होंने कहा लिख दो, लिखने के तो पैसे लगते नहीं है। तब नानी बाई का देवर नारायण है वो बोला, मैं लिखता हूं, और वो द्वात कलम कागज लेकर के लिखने के लिए बैठा है। कुटुंब कबीला भिला हुआ बैठा राणो राण, छोटे बड़े सबके सब इकट्ठे हो गए, द्वात कलम कागज लियो लिखवा लगियो नारायण। द्वात कलम कागज लेकर अब वो नारायण वहां लिखने के लिए बैठा है। दरवाजे पर जो रखवाली करता है उसके लिए दो सोने के तीर लिखो, लिख दो। गांव में जितने कुमार लोग हैं, जितने चाक चलते हैं कुमारों के लिए सवा सवा लाख रुपये, पारस पीपली का पेड़ उसके जितने पत्ते उतने ही लिखो, जरी लगे हुए थान, जरकस अंदा तार लिख दो, जरिया हंदी झूल, जवाई के लिए सोने का फूल, देरानी जेठानी के लिए मई चूंदड़ी जरी लगी हुई, छोटी ननद के लिए
मई चूंद की बंदेज की जोधपुर वाली लिख दो, नानी बाई का पूरा श्रृंगार, दोईती के लिए मोतियों का हार हैदराबाद वाला लिख दो, आप लिख दो, नरसिंह जी की बेटी ये कद में छोटी है, कोटी से जब सम्मान लेती है तो हाथ नहीं पहुंचता है, एक सोने का पगोतिया लिख दो आप, बारात के लिए पोशाक, दहेज में देने के लिए 1,25,000 रुपये, दुल्हे के लिए साल दुशाला, ब्याई जी के लिए कपड़े, नानी बाई के लिए 2-2, 3-3 वेश लिखो, लो बूढ़ी ब्याण डोकरी माँ वो क्या बोली, एक सोने की शिला लिख दो, सर्दी में गर्म पानी करके अपने पैरों की एड़ियां धोने के लिए काम आएगी सोने की शिला, ये सब चीजें लिखवाई। अब वो चिट्ठी नानी बाई को पकड़ाई, आपके पिताजी को बोलना इतना तो मायरा भरना ही है। अब नानी बाई वो चिट्ठी लेकर के नरसिंह जी के पास पहुंची है, कुकू पत्री ले ये बेटी बाप के गई जी, कुकू पत्री ले रे बेटी बाप के गई, मित्रो मारा बाबा जी जो माहेरो सही हरी, मित्रो मारा बाबा जी जो माहेरो सही हरे, कुकू पत्री बाती नरसी मगन भैया जी, कुकू पत्री बाती मरसी मगन भया, ठाकुर जी रा नाम मारे ऊपर रया हरी, ठाकुर जी रा नाम मारे ऊपर रया, देखो मर्दा नरसी लेकी दशा तो गिरी, ओ देखो मर्दा नरसी लेकी दशा तो गिरी, नीचे नाम नरसी लेको ऊपर हरी हरी, नीचे नाम नरसी लेको ऊपर हरी, ऊपर नाम मांडियो जाको माहेरो बरसी जी, ऊपर नाम मांडियो जाको माहेरो बरसी, नीचे नाम नरसी लेको भजन करसी हरी, अरे नीचे नाम नरसी लेको भजन करसी हरी, भगत वचल प्रभु सारे सब काज जी, भगत वचल प्रभु सारे सब का, नानी बाई रे माहेरा रे ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज, जय जय नारायण हरि हरि, बोलो भक्त और उनके भगवान की जय। नरसिंह जी वो पत्र का पढ़ी, नरसिंह जी देखो मगन हो गए, ऊपर भगवान का नाम नीचे नरसिंह का नाम, नरसिंह जी बोले जिसका ऊपर नाम लिखा है वो मायरा भरेंगे, नीचे नाम नरसिंह का, ये तो रास में ऐसे ही भजन करेगा, पत्री शीश चढ़ाई के सुमिरे सालग्राम, पत्रिका को सिर से लगाया, पत्रिका ठाकुर जी के सिंहासन पर रख दी, नरसिंह जी बोले ननी भाई अब घर जाओ भगवान मायरा भरेंगे, अब घर जाओ लाडली मन में राखो धीर, पूरण भरसी माहेरो आसी सांवलवी, बेटी अब आप घर जाओ थोड़ा मन में धैर्य रखना भगवान मायरा भरेंगे। अब नानी बाई वापिस घर पहुंची, नानी बाई की सास के पास नानी बाई की पड़ोसन आई हुई बैठी है, वो पड़ोसन नानी बाई को सुना करके नानी बाई की सास को क्या बोलती है, देखो आपकी बहू देखो मायरा ओढ़ करके आई है, अब बताओ इस पड़ोसन को क्या पड़ा, ये भी देखो मारवाड़ी में कहवे जो बढ़ती में पुड़ो न के। नरसिंह जी आए हैं, यदि इनको भोजन नहीं कराएंगे तो लोग क्या कहेंगे, देखो सगा आया कोई पूछी हुई कोई नहीं, एक ब्राह्मणों की लड़की उसको बुलाया, एक
बढ़िया आ जा। जाइए पांड्यारी छोरी नरसी जी ने ल्याव जी, जाइए पांड्यारी छोरी नरसी जी ने ल्याव। अरे जी मन धाया जाई मारे जी मन आव हरी, थारे जी मन धाया ब्याई मारे जी मन आव। ब्राह्मणों की लड़की, उसको बुलाया, क्या नाम है? अनवी, कौन सी कक्षा में पढ़ती है? आठवीं में। अनवी को ये बोला कि देख यहाँ संत लोग आए हैं, उनको जाकर के बोल हमारे यहाँ भोजन करने के लिए चलो। क्या बोलेगी? जरा पूछ नहीं, जा संतों को बोल। वो अनवी छोरी संतों के पास जाकर के बोली, महाराज जी हमारे वहां भोजन करने के लिए चलो। नरसिंह जी ने कहा, बेटी अभी तो स्नान भी नहीं हुआ, पाठ पूजा भी नहीं हुई। देखो संत लोगों के नियम है, स्नान करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, भगवान के भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं। अपने घरों में भी ये सनातन परंपरा, स्नान करके भोजन करना चाहिए। यदि कोई बिना स्नान भोजन करता है तो वह अपने ही पाप भक्षण करता है। जो बिना स्नान किए, बिना भगवान का नाम लिए यदि जल भी पीता है तो देखो वह अपना खून पीता है। देखो स्मृति में कैसी कैसी बातें लिखी है। और आज ये हमारे भाई बहन देखो किधर जा रहे हैं, सुबह उठते ही इनको बेड चाय चाहिए। जब तक चाय नहीं मिलती है तब तक तो बोलो इनकी आंखें नहीं खुलती है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ये चाय ये भी नशा है, ये चाय हमारे यहाँ नहीं थी। इस देश में तो दूध दही घी की नदियां बहती थी, हर घर में गोधन था, हर घर में गायों की सेवा होती थी, घरों में दूध दही घी की नदियां बहती थी। अब दूध दही घी तो भूल गए और चाय की प्यालियां लेकर के बैठे हैं, चाय को कप। अंग्रेज आए हमारे इस देश में, देखा यहाँ के लोग बड़े मजबूत, यहाँ की जमीन बड़ी उपजाऊ। अंग्रेज लोगों ने सोचा कैसे हमारी हुकूमत चलेगी, तो यहाँ की जमीन कमजोर करो, यहाँ के लोगों को कमजोर करो। जमीन को कमजोर करने के लिए यूरिया खाद लेकर के आए, यूरिया खाद गिराते हैं, कई दिन तो होती है फसल अच्छी और धीरे धीरे वो जमीन होने लगती है बंजर। और यहाँ के लोगों को कमजोर करने के लिए चाय पकड़ा करके गए। आज भी लोग देखो गाँव में बोलते अंग्रेजी चाय, चाय पीते हैं तब स्फूर्ति आ जाती है, और चाय नहीं मिलती है तो देखो माथा ऐसे गिरा करके बैठेंगे, माथा बांधेंगे, क्या हुआ चाय नहीं मिली, ऐसी दशा हो जाती है मानो अब ये जाने वाले ही हैं। चाय 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 है? कहीं जाओ सब जगह तैयार है, चाहे स्टेशन जाओ, चाहे हवाई अड्डे जाओ, चाहे किसी कोने में चले जाओ, चाय की दुकान तैयार है। माफ करना, वो घरवाली सुबह जल्दी जगी, रसोई में गई और डब्बा उठाया तो डब्बा खाली। अब माथे के हाथ देती है, कहती है पति है ही नहीं, पति है ही नहीं। अब पूछो पलंग पर ये 5 फीट के कौन सो रहे हैं, ऐसे तो बोलती नहीं, चाय की पत्ती नहीं है, पति है ही नहीं, पति है ही नहीं। लो सुनो, भाई जी खुद पीवे, भाई जी खुद पीवे, और आप रे धनी ने कहे पी लो। क्या बोलती है? पी लो। वो पीछे कुर्सी पर बैठे बैठे कहते हैं पिल्ली। अब बताओ पिल्लो और पिल्ली किने बोले? भगवान ने तो आपको मनुष्य बनाया और ये पशु चारा कहां से लेकर के आ गए? नशा अच्छी चीज नहीं है भाई, नशा तो केवल राम नाम का होना चाहिए। पीनी है तो पीनी है तो प्याली हरी नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। एक जगह मैं नशो छोड़ने की बात कही, घना जना नशो छोड़ दियो। एक भाई खड़ी हो और कहे महाराज आज हूं चाय छोड़ी। मैं कह बहुत बढ़िया करियो भाई चाय छोड़ दी।
एक दिन बाद फिर कटे सत्संग में दूजी जगह आई, मैं जो ही सत्संग सु मन सु नीचे आयो भाई हाथ जोड़न कहे महाराज राम राम, मैंने ओड़की। अब मैं कह इतनी बाया आवे मैं किसी किसी ने ओड़कू, जने कहे थारे बटे उन कथा में आई मैं चाय छोड़ी जिकी हूं। मैं कह भाई बहुत बढ़िया करियो, भाई धीरेक बोली चाय छोड़ दी अबे कॉफी पीऊं। मैं कह चौको करियो चुड़ैल ने छोड़ चंडाली ने घरे गाली, एक नशा छोड़ देते हैं तो दूसरा नशा पकड़ लेते हैं। नशा कोई अच्छी चीज नहीं है, नशे काट ली नशा मना थारी लत नहीं छुट्टी रे, नशे नशे में पूंजी खुटी रे। आज देखो नशे से लोग बर्बाद हो रहे हैं। आगे देखो जिन लोगों ने नशा किया रात चले गए ठकुरई चली गई, और आज देखो हर परिवार में हर समाज में नशा अपना पैर फैला रहा है। मेरे भाई बहन यदि अपना जीवन बचाना चाहते हो, परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हो, राष्ट्र को यदि आगे बढ़ाना चाहते हो तो नशे से बचो, नहीं तो ये नशा नाश कर देगा। आज नरसी जी को वो अन्वी जाकर के कह रही है महाराज घर भोजन करने के लिए चलो। नरसी जी बोले अभी तो स्नान ही नहीं हुआ है, पाठ पूजा ही नहीं हुई है। बोली आज घर में ही स्नान करना, वहीं पाठ पूजा करना। अब देखो नरसी जी को निमंत्रण देकर के वो छोरी तो घर चली गई। नरसी जी ने संतों को कहा संत लोगो हरिहार, हरिहर कहा, संतों ने अपनी तुम्बी भरी। नरसी जी संतों को लेकर के रवाना हुए, सामने देखो श्रीरंग जी मिले। नरसी जी को देखा, श्रीरंग जी को शर्म आई, घर में चले गए। सामने जैसे ही आगे बढ़े नरसी जी बोले संत लोगों आसमदी जी के घर में आए, बढ़िया संग बजाओ। 16 सूरदास एक साथ संग बजाने लगे, 16 संग सूर्या तणा बाजिया होड़ा होड़, गाया भागी वत्सताज भैंस भिड़क गई भाग। संग की आवाज हुई, गायें पछड़े छोड़ करके भाग गई, भैंस भिड़क गई। संतों के तिलक देकर बालक सब डर गए। समदन कहने लगी इन्होंने तो हमारे देखो शर्म गंवा दी। नरसी जी को संसार की कोई परवाही नहीं है। सासू जी गुस्से में बोले इनको साधों को इन साधुओं को लेकर यहां क्यों आए। समदन ने देखा तिलक करूंगी तो नेक के पैसे मिलेंगे। समदन ने तिलक किया, नेक के पैसे मांगे। नरसी जी बोले लेने देने के लिए राम जी का नाम है। समदन ने वो तिलक वापस पहुंच दिया। नरसी जी बोले इतने से तिलक से कुछ होने वाला नहीं, संतों के तो तिलक में सवा शेर गोपी चंदन चाहिए। अब स्नान करेंगे तो बोले बाहर स्नानघर बने हुए हैं, अरे सर्दी के दिन है गर्म पानी करो। समदन ने देखा गर्म पानी रखूंगी तो जल करके ये कई दिन पड़े रहेंगे, विवाह का काम हो जाएगा। गर्म पानी की वो चरी ला करके आगे रखी। नरसी जी ने हाथ रखा तो हाथ जलने लगा, इतने गर्म पानी से कैसे स्नान होगा, साथ में सम्मोहन दो। तब बोले आपके तो इंद्र भगवान हाजरी में हैं। अब देखो नरसी जी ने ज्यों ही करुणा की, एक आकाश में छोटी सी बादली दिखी और श्रीरंग जी के घर पर मूसलाधार वर्षा हुई। और शहर में छींटे भी नहीं पड़े, श्रीरंग जी के घर पर मूसलाधार वर्षा हो रही है। श्रीरंग जी के घर में देखो पानी की नाडोलियां भर गई। ननंद की दो छोरियां खेलती खेलती बाहर गई, पैर फिसल गया, छोरियां पानी में डूब करके मर गई। बोले अरे इनको बाहर निकालो, देखो ये साधु घर में आए और घर में देखो बालक मरने लगे। नानी बाई जाकर नरसी जी को बोली, तब नरसी जी ने जाकर उन छोरियों के माथे पर हाथ रखा और कहा भाई रामो राम। छोरियां मानो नींद से जगी, जो ही वो बालिकाएं खड़ी हो गई। अरे बाबा जी चमत्कारी है, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। समदन बोली अब आप भोजन करो, संतों को भी भोजन कराओ।
अब संत लोग पंक्ति में बैठे, हृदय साफ कहाँ है, रात की बची हुई ठंडी खींचड़ी संतों के लिए रखी है। कहते हैं पंगत में कभी भेद मत करना, जैसा भोजन आप करो वैसे ही घर में आए हुए लोगों को भोजन कराना चाहिए। घर वाले तो भोजन करते हैं चकाचक और आए गए लोगों को लुका सुका दे देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आज रात में बची हुई ठंडी खींचड़ी संतों को पुरोस दी। नरसिंह जी ने ज्यों ही तुलसी दल रख करके भगवान के भोग लगाया, थाल में देखो सटवस भोजन हो गया है। संतों को भोजन करते देखा, परिवार वाले सब नाराज हो गए, रात को हमें तो खिचड़ी खिलाई और देखो संतों को ऐसे भोजन। तब नरसिंह श्रीरंग जी ने जाकर के कहा ये संत लोग चमत्कारी है। तब सब लोगों ने भोजन किया। अब नरसिंह जी महाराज संतों को लेकर के बोले देखो अपने को यहाँ आए हुए आज कितने दिन हो गए, अभी लोगों को पता नहीं लगा है, चलो भीष बाजार में थोड़ा कीर्तन करते हैं। नरसिंह जी महाराज संत लोगों को साथ लेकर बीस बाजार में जाकर के कीर्तन करने लगे। बोलो आनंद कंद भगवान की जय। हो राधे 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 दाऊं श्याम तेरी गलियन में, राधे राधे दाऊं श्याम तेरी गलियन में, ओ राधे राधे दाऊं श्याम तेरी गलियन में, राधे राधे दाऊं श्याम तेरी गलियन में। सभी हरि भक्तों से निवेदन है दोनों हाथ ऊपर उठाइए, राधे हो। जिन गलियन में गुटवन चाले, जिन गलियन में गुटवन चाले, खेले दौड़े संगले ग्वाले, खेले दौड़े संगले ग्वाले, पल पल शीस नवाऊ, पल पल शीस नवाऊ श्याम तेरी गलियन में, पल पल शीस नवाऊ श्याम तेरी गलियन में, हो मैं तो राधे राधे गाऊ श्याम तेरी गलियन में, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियन में। श्री राधे 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 दोनों हाथ ऊपर, राधे 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 जी महाराज। बीस बाजार में देखो कीर्तन का रंग जमाते हैं, अब कीर्तन करने दो, आगे का प्रसंग कल के पावन प्रसंग में शाम को 7:15 बजे से कहने का भाव है। कल